गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। चैप्टर में आपको पढ़ा रहा था रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जिसका लेक्चर नंबर 12 हम आपके साथ आज कंटिन्यू करेंगे। और आज का टॉपिक होगा बच्चे फुल फ्लेज क्वेश्चन विदाउट एडजस्टमेंट। मैंने पहले ही बताया, ये COVID-19 के कारण आपका सिलेबस ज्यादा रिड्यूस हो गया है, आपको एडजस्टमेंट वाली टॉपिक नहीं पढ़नी है। तो आज मैं आपको विदाउट एडजस्टमेंट का लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है बच्चा? ये क्वेश्चन आपके साथ में अभी ला रहा हूं, जरा उसे आप ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं बच्चा। एक्स वाई जेड टीम पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। बैलेंस शीट आपके सामने नजर आ रहा है 31 दिसंबर 2018 का, ठीक है बच्चा? जरा ध्यान से देखिएगा। बैलेंस शीट में आपको कैश नजर आ रहा है 8,000, डेटर्स नजर आ रहा होगा 19,000, स्टॉक 42,000, बिल्डिंग 2,07,000, पेटेंट 9,000, टोटल 285,000, क्रेडिटर आपको दिख रहा होगा 47,500, रिजर्व आपको दिख रहा होगा 20,000, कैपिटल अकाउंट्स आप देख रहे होंगे 82,000, 60,000, 75,500। तो ये सारे क्वेश्चन में, ये सारे बैलेंस शीट के अंदर वाला आइटम तो बहुत इजी है, इसमें कुछ ज्यादा बात नहीं दी हुई है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि वाई रिटायर कर गया 1 जनवरी को, लेकिन यहां से जो आपको ये वाली बात दे रहे हैं, जरा इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे तो अच्छा रहेगा आपको समझने में भी, ठीक है बच्चा? आइए, इसमें आपने देख रहा होगा कि ए बी सी डी ई एफ जी एच तक आपका एडजस्टमेंट दी हुई है। तो एक एक एडजस्टमेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन लेने के पीछे मेरा तुक यही है, इतना बड़ा तो एग्जाम में नहीं आएगा कि इतना सारा आपको एडजस्टमेंट दी हुई रहे। 4-5 एडजस्टमेंट मैक्सिमम होता है बच्चे, लेकिन यहाँ एक एक एडजस्टमेंट को हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत सारी चीज यहाँ से क्लियर होगा और बहुत अंदर का बात है। ये हॉट क्वेश्चन है बच्चे। सबसे पहले वाई सेल्स ही शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर 28,000। आपने देखा कि जो वाई है वो रिटायर कर रहा है और अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट 28,000 में बेच रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई पार्टनर रिटायर करता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए कि एक्स वाई जेड तीन पार्टनर था और वाई रिटायर कर रहा है, तो वाई जब अपना प्रॉफिट का शेयर देगा ना, तो बदले में कंपनसेशन के रूप में एक्स और जेड मिलके उसको गुडविल देगा, है ना, गेनिंग रेशियो में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लिखा हुआ है वाई सेल्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर 28,000। ये 28,000 और कुछ नहीं है, ये गुडविल इतना का ले जाएगा। आपको मालूम है ना, जितना हिस्सा प्रॉफिट देगा उतना हिस्सा का गुडविल लेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली नहीं दिया हुआ है कि गुडविल कितना होगा, लेकिन घुमा के ये बात लिखा हुआ है। तो आप ये समझिए कि 28,000 जो दी हुई है ये गुडविल को ही बता रहा है और उसको एक्स और जेड गेनिंग रेशियो में कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, ये समझ गए, बहुत अच्छी बात थी। यहाँ पे हिडन बात थी कि गुडविल वर्ड डायरेक्टली ना लिख के आपको ये लिखी हुई थी, आपको समझना पड़ा। आगे बढ़े, बैड डेट अमाउंटिंग टू 2,000 वेयर टू बी रिटेन ऑफ। यहां तक तो आप समझ गए होंगे कि बैड डेट 2,000 से राइट ऑफ कर देना है और क्वेश्चन में डेटर दी हुई है। जरा देख लो, डेटर्स दी हुई है 19,000, यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बैड डेट को 2,000 से राइट ऑफ कर देना, ये भी इजी है। लेकिन यहां से थोड़ा क्वेश्चन को और जोड़ा गया है, जरा इसको पढ़ेंगे। अनदर कस्टमर रमेश, एक दूसरा कस्टमर है रमेश, हुज अकाउंट वाज रिटेन ऑफ एज बैड लास्ट ईयर, पिछले साल उसके अकाउंट को बैड मान लिया गया था और उसको राइट ऑफ कर दिया गया था। हैज प्रोमिस्ड इन राइटिंग, लिखित वो प्रोमिस किया है कि वो 3,000 रुपया सेटलमेंट में देगा अपने 5,000 के डेप्ट में। मतलब उसका कर्ज था 5,000, जिसमें से 3,000 वो लिखित रूप में दे रहा है कि हम दे देंगे, ठीक है ना बच्चा? आगे बढ़ते हैं, यहां तक भी बहुत अच्छी बात है कि आप समझ गए होंगे कि 3,000 वो दे रहा है, मतलब आपको पैसा 3,000 कम से कम तो आ रहा है, बैड डेट रिकवरी हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, 7.5% ऑफ रिजर्व इज टू बी यूज टू क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट। आपको यहाँ पे यही वाला कैलकुलेट करने में थोड़ा सा परेशानी होगा। आपको रिजर्व पे आप देख लो, 7.5% ऑफ रिजर्व इज टू बी यूज टू क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट, यानी कि ये जो रिजर्व आपका दिख रहा है ना 20,000, उसका 7.5% प्रोविजन में ट्रांसफर करना है,
एक नया बात आप देख रहे होंगे, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। बस यूं समझो कि रिजर्व को हटा के प्रोविजन में ट्रांसफर कर देना है। इसकी एंट्री भी आप समझ गए होंगे। पेटेंट वेयर टू बी ब्रॉड डाउन टू 1000, इसमें कोई जान नहीं है। पेटेंट 9000 है, उसको 1000 से कम कर देना है, इसमें भी कोई जान नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 1000 टू बी ट्रीटेड एज प्रीपेड इंश्योरेंस, ये भी कुछ बड़ी बात नहीं है। मैंने इसका बहुत सारा क्वेश्चन ये सेम लाइन में बता चुका हूं कि 1000 रुपया इंश्योरेंस प्रीमियम का एडवांस मान लेना है, जो कि अर्लियर आपने पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर चुका था। आप उसमें से 1000 एडवांस मानेंगे, मतलब एसेट में ट्रांसफर करेंगे, तो रिवेल्यूशन में ये बात जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ 5900 विद रेस्पेक्ट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी टू द एम्प्लॉइज, दिस लायबिलिटी हैज नॉट बीन शोन इन द अबव बैलेंस शीट बट द सेम इज टू बी रिकॉर्डेड नाउ। आपने देखा कि एक लायबिलिटी है 5900 का जो आउटस्टैंडिंग सैलरी से रिलेटेड है। इस लायबिलिटी को कहीं भी बैलेंस शीट में नहीं दिखाया गया है, कहीं भी देख लीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी यहां नहीं है। तो इसका मतलब एक लायबिलिटी को बढ़ा देना है, यही कह रहा है बच्चे। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए लॉन्ग डिस्प्यूट वॉज सेटल एंड द फर्म हैज टू पे 9000 इन एंटीसिपेशन, द फर्म हैज ऑलरेडी इंक्लूडेड 6000 इन क्रेडिटर फॉर दिस पर्पस। एक डिस्प्यूट था जिसको सेटलमेंट हो गया, अब फर्म को पे करना है 9000, मतलब फर्म को 9000 पे करना है, जिसमें से फर्म ऑलरेडी 6000 क्रेडिटर में शामिल कर चुका है। ये जो 47500 आप देख रहे हैं, इसमें 6000 ऑलरेडी शामिल है। इसका मतलब है कि मात्र 3000 और लायबिलिटी बढ़ाने की जरूरत है यहाँ पे, है ना। आगे बढ़ते हैं। ए फर्नीचर परचेज ऑन 1/10/2018 फॉर 4000 डेबिटेड टू एक्सपेंस अकाउंट इज टू बी ब्रॉट इन टू बी चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने एक फर्नीचर खरीदा था और उसको गलती से एक्सपेंस अकाउंट मान के पीएनएल अकाउंट में दिखा दिया था, जिसमें आपको डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना है 10%। मतलब एक बहुत ही अच्छा ये एसेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो बहुत रेयरली देखने को मिलता है, जिसे आपका कॉन्सेप्ट रियली क्लियर होने जा रहा है। मैं आपको फिर से बता दूं, एक फर्नीचर था जो परचेज हुआ है, जिसको एक्सपेंस मान लिया गया है, 4000 को परचेज हुआ है 1/10/2018, और 1/10 के बाद बुक्स का क्लोजिंग हो रहा है 31 दिसंबर, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना यह बिजनेस में रहता है। तो 3 महीना का आपको डिप्रिसिएशन घटा के आपको नए वाले बैलेंस शीट में ले जाना होगा, जरा ध्यान देना होगा। आपको रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है XYZ आफ्टर वाइज रिटायरमेंट, ठीक है। तो आइए, आपने क्वेश्चन देख लिया, अब आते हैं सोल्यूशन पे। एक एक बात आपने देखा है, तो सबसे पहले सोल्यूशन में आते हैं हम लोग, एक एक चीज को समझते हैं। आपने एक बात तो देखा, सबसे पहले नंबर वन बात क्या था? नंबर वन बात था बच्चे, एडजस्टमेंट नंबर वन गुडविल से रिलेटेड था। तो एडजस्टमेंट नंबर वन रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस साइड जरूर जाएगा। तो अभी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लाइन से बना रहा हूं, तो छोड़ो, मैं एक साथ नहीं बताऊंगा, क्योंकि उतना मेरा मोबाइल कैप्चर नहीं कर रहा है। तो सिर्फ हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को पहले बताते हैं। तो स्टेप एडजस्टमेंट नंबर वन से कोई बात रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। एडजस्टमेंट नंबर बी से आते हैं। बैड डेट अमाउंटिंग टू 2000 वेयर टू बी रिटर्न ऑफ, तो बैड डेट से आपका एसेट्स घटेगा, और एसेट्स घटेगा तो आप उसको डेबिट करेंगे। तो यहां पे आप लिख सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू बैड डेट, बड़ा आसान है बच्चे। तो टू बैड डेट्स अकाउंट आप लिख दीजिए 2000, एकदम क्लियर है। उसी एडजस्टमेंट में एक चीज ऐड था, आप जरा देखेंगे स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो, अनदर कस्टमर रमेश हुज अमाउंट वाज रिटर्न ऑफ बैड लास्ट ईयर प्रोमिस्ड इन राइटिंग टू पे 3000 इन सेटलमेंट। अब प्रोमिस कर रहा है तो जाहिर सी बात है आपका अभी तुरंत पे नहीं कर रहा है, वो प्रोमिस कर रहा है फ्यूचर में पे करेगा। तो हम मान लेंगे कि मेरा डेटर 3000 से बढ़ गया, और जब भी डेटर बढ़ेगा तो डेटर बढ़ाएंगे तो बाई डेटर्स अकाउंट लिख देंगे, ठीक है ना बच्चे, 3000। इसमें भी कोई दिमाग नहीं लगाना बच्चे, एकदम सिंपल समझिएगा, 3000 कैसे लिखे हम, है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रोमिस ने 3000 राइटिंग में प्रोमिस किया है, इसका मतलब भविष्य में पे करेगा, भविष्य में पे करेगा, इसका मतलब हमारा डेटर बढ़ गया, है ना। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर सी में आते हैं बच्चे, हम जरा पढ़ते हैं। 7.5% रिजर्व आपको प्रोविजन में डालना है। तो रिजर्व को प्रोविजन में डालने का एंट्री जरा मैं आपको रफ में समझा दूं।
कि अगर रिजर्व के पैसे को प्रोविजन में डालेंगे तो रिजर्व तो घट रहा है, और रिजर्व लाइबिलिटी घटेगा तो डेबिट होगा, है ना, और इसके पैसे को प्रोविजन में डालेंगे तो टू प्रोविजन हो गया। तो आप जरा मेरे को घुमा फिरा के बताओ कि रिजर्व टू प्रोविजन में कहीं रिवैल्यूएशन की चर्चा हुई क्या? तो रिजर्व टू प्रोविजन में कहीं रिवैल्यूएशन की चर्चा नहीं हुई, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये लाइन जाएगा क्या? नहीं जाएगा, मैंने पहले ही बताया था, एक लायबिलिटी खत्म हो रहा है और दूसरी लायबिलिटी का क्रिएशन हो रहा है, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा, यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी इफेक्ट डाल जाएगा बच्चे, हर एक एडजस्टमेंट का दो जगह जाता है इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, पेटेंट वेट टू बी ब्रॉट डाउन टू 1000, मतलब पेटेंट 9000 था उसको 1000 पे ला देना है, तो 8000 से आप पेटेंट को घटाएंगे, और जब भी पेटेंट को घटाएंगे तो आपका नुकसान होगा, और नुकसान को आप किधर लिखेंगे बच्चे? डेबिट साइड में। 8000 का क्यों नुकसान हुआ, 9000 से 1000 ला देना है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, आउट ऑफ टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम 1000 आपको प्रीपेड एक्सपेंस है, मतलब आपको एसेट एक बढ़ाना है, ये अनरिकॉर्डेड एसेट की क्वेश्चन है, तो बाई प्रीपेड इंश्योरेंस लिख सकते हैं आप बिल्कुल, और इसमें कोई दिमाग नहीं, 1000 आप बच्चे लिख दीजिए, एकदम इजी वाला कॉन्सेप्ट है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आपने देखा था एक लायबिलिटी 5900 से बढ़ रहा था आउटस्टैंडिंग सैलरी से रिलेटेड, तो अचानक से ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, तो आप इसको लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, और इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, 5900 है पूरा का पूरा लिख डालिए, ठीक है ना। आगे बढ़े, आपने एक और बात देखा था कि एक डिस्प्यूट हुई थी, मैं फिर से आपको दिखा दूं, जरा देखिएगा लास्ट लाइन में, एक डिस्प्यूट हुई थी 9000 का, जिसमें से 6000 तो क्रेडिटर में ऑलरेडी फॉर्म ने शामिल कर लिया है, लेकिन 3000 जो बचा है उसका शामिल नहीं किया, मतलब एक लायबिलिटी 3000 से बढ़ रहा है, और 3000 से लायबिलिटी बढ़ेगा तो आप उसको एक्सपेंस साइड में यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे टू क्रेडिटर अकाउंट के नाम से। कितना लिखेंगे बच्चे? 3000। यहां तक भी आप कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं, एसेट एक बढ़ रहा था, लास्ट लाइन आपने देखा डेप्रिसिएशन वाला, मैं जरा ध्यान से मैं आपको फिर से दिखा दूं, जरा लास्ट लाइन देखो, फर्नीचर परचेज ऑन 1/10/2018, मतलब बैलेंस शीट का डेट है 31 दिसंबर 2018, 1/10/2018 मतलब 1 अक्टूबर को 4000 का एक फर्नीचर खरीदा गया था, गलती से इसको एक्सपेंस में लिख दिया गया था। सोचो ना, फर्नीचर खरीदा गया था तो एसेट्स बढ़ना चाहिए, और आपने तो उसको खर्चा दिखा दिया है, तो आप इस बार एसेट्स बढ़ाएंगे ना सुधारने के लिए, और जब भी एसेट्स बढ़ाएंगे तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो इफेक्ट डालेगा ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो इंक्रीज डिक्रीज एसेट और लायबिलिटी का जाता है, तो यहां पे एक नया चीज आपने सीखा भाई, फर्नीचर अकाउंट। कितना का बच्चे? भाई कोई दिमाग नहीं लगाना, आपको मैंने बताया एक वर्किंग नोट छोटा सा कर देना। क्या वर्किंग नोट? नंबर वन, क्या कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ फर्नीचर कितना जाना चाहिए? तो आपकी फर्नीचर परचेज हुई थी 4000 की, है ना, उसमें आप लेस कर देना डेप्रिसिएशन। क्यों डेप्रिसिएशन लेस करेंगे? और डेप्रिसिएशन 10000 है, 10% है, 3 महीने के लिए आप निकालेंगे, सिर्फ 3/12 कर देंगे। हाँ, तो मैं क्यों बता रहा था, 3 से 4 मत में हुआ, ये 0-0 कट गया और ये हो गया 4 से 1000 हो गया। चार हजार था सिर्फ, तो एक सौ घट गया, 3900। ऐसा क्यों किया मैं आपको बता दूं, आप फर्नीचर कितना से बनाएंगे? आपका फर्नीचर था और एक्सपेंस माने थे, फर्नीचर आपने 4000 में परचेस किया था और उसको आपने खर्चा दिखाया था, जिसपे डिप्रिसिएशन भी लगाना था 100 रुपया 3 महीना के लिए, है ना, तो आपने तो ये लगाया नहीं, तो अब अपना एसेट्स को आप दिखाना चाहते हो तो कितना का बैलेंस शीट में दिखाओगे? तो 3900 का, है ना, तो 3900 मैंने डायरेक्ट यहाँ पे बैलेंस शीट में भी लिख देंगे, यहाँ पे भी फर्नीचर में 3900 लिख देंगे, और आपका काम धाम खत्म। अब आपको कोई आइटम नहीं था, आपने सारा आइटम को ऑलरेडी कर लिया है, तो आप बस करेंगे क्या कि जोर घटाओ करेंगे, है ना। चलिए मेरे साथ जोर घटाओ करते हैं आप, 8, 2, 10, 5, 15, 3, 18 इधर जोड़ते हैं तो 3, 3, 6, 7 लमसम इधर ही जाते हैं, डेबिट साइड में जाते हैं, तो जो भी डेबिट साइड में जोड़ के लिख देते हैं, जरा जोड़ते हैं, 900 ये हो गया, 8, 2, 10, 5, 15, 3, 18 हजार 900 हो गया, 18900 इधर भी लिख देंगे, 18900 में आप घटा देंगे, 3, 3, 6, 1, 7, 1900, तो 7900 गया तो
11,000 आएगा, तो 11,000 यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट सारे पार्टनर्स के बीच में जाएगा बच्चे, तो वाई भी शामिल करेंगे, ऐसा नहीं कि वाई को छोड़ देंगे आप कैपिटल अकाउंट। और क्वेश्चन में इक्वल रेशियो दी हुई थी, ऐसा आपने पढ़ा था क्वेश्चन? नहीं पढ़ा था, तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन में 2:2:1 रेशियो दी हुई थी, 2:2:1 रेशियो दी हुई थी। तो आप क्या करेंगे, ये जो 11,000 हमारा आया है, 11,000 को आप 5 से डिवाइड करेंगे। तो आइए मैं डिवाइड लगाऊं जरा, 11,000 5 लगा दूं, 5 × 9 = 10, 5 × 9 = 10 0, 22 आएगा, यानी 22 × 2400, 2400 = 2200। क्लियर हो गया है ना? आइए कैपिटल अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, एकदम इजी क्वेश्चन है। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, और बाय बैलेंस बीडी में आप क्या लिखेंगे बच्चे, मैं आपको क्वेश्चन जरा दिखा दूं, जरा क्वेश्चन देख लीजिए बच्चे। कैपिटल अकाउंट 82,000, 60,000, 75,500 है, रिजर्व 20,000 है, जिसमें से आपने प्रोविजन क्रिएट किया था 7.5% का, देख लो जरा कहाँ था बच्चे, 7.5% का प्रोविजन क्रिएट किया था, तो आप 7.5% घटा के रिजर्व जो बचेगा उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ओल्ड गुडविल दी हुई नहीं थी, सिर्फ वैल्यूड गुडविल दी हुई थी यहाँ पे 28,000। तो ये क्वेश्चन घुमा फिरा के बहुत इजी है कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड, ये केवल रिवैल्यूएशन से रिलेटेड टफ था, कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड टफ नहीं है। तो यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी में आप देखा कि 82,000 था, 60,000 था और 75,500 था, मैंने इसे लिख दिया। उसके बाद आप क्या लिखेंगे भाई, जनरल रिजर्व लिखेंगे एकदम 100%, जनरल रिजर्व में नहीं भाई, रिजर्व ही दी हुई थी, और रिजर्व कितना लिखेंगे, तो भाई इसमें तो सोचना है भाई, रिजर्व थी 20,000 और 20,000 में से 7.5% यानी कि आपका क्लियरली लिखा हुआ 7.5% यानी 7, यहाँ 0 लगा दो, यहाँ से ये 3 0 यहाँ कटा दो, 75 × 150 और एक 0 लगा दो, 1500 रुपया घटा देंगे 20,000 में से, और 20,000 में से अगर 1500 घटा देते हैं तो 20 में से 19 18,500 बचेगा, 18,500 को आप बांट देंगे 2:2:1 में। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि 20,000 में से 1500 तो आप प्रोविजन में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो रिमेनिंग जो 18,500 बचेगा उसी को आप ट्रांसफर करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, और ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ट्रांसफर करने के लिए आपको ओल्ड रेशियो की सहायता लेनी पड़ेगी। तो आप 5 से डिवाइड लगाओ, 3 × 15 = 35 आएगा करीब करीब, 3700 आएगा, और 3700 को 2 से मल्टीप्लाई 7 × 4 = 4, तो कितना हो जाएगा 7400, ये हो जाएगा 3700 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 7400 हो जाएगा, और ये 3700 ही होगा, मल्टीप्लाई कर लो 7400, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे बच्चे, वैल्यूड गुडविल की बात करेंगे, और वैल्यूड गुडविल में आपने देखा कि गेनिंग दो पार्टनर कर रहा है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट, ये दोनों पार्टनर गेन कर रहा है, और कहां पे लिखेंगे, तो सिर्फ वाई के कॉलम में लिखेंगे। एंट्री अगर आपको मैं समझाऊं तो एंट्री जरा देखिएगा, गेनिंग पार्टनर एक्स जेड है, 2 वाई होगा, वाई में 28,000 है, 28,000 को आप 2:2:1 है यानी 2:1 में बांटेंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कोई जानकारी नहीं होता है, तो रिमेनिंग रेशियो जो बचता है ना रिमेनिंग पार्टनर का, वही हो जाता है गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो आपने गौर किया 2:1 होगा, तो हमको लगता है कुछ डेसिमल में आएगा, 28,000 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग डेसिमल में लाएंगे, 3 × 9 = 27 = 10 3 × 3 = 9 10 3 × 9 = 9 यानी कि 9,333 आएगा। तो आप यहाँ पे 9,333 लिख देंगे, और इसमें 2:1 है, इसको डबल कर देंगे यानी 3 × 9 = 6 और 1 रुपया यहाँ बढ़ा देंगे, और ये हो जाएगा बच्चे, डबल करेंगे तो
18,667 हो जाएगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद अगर एंटी को गौर करें तो इधर भी पोस्टिंग जाएगा इससे रिलेटेड, क्योंकि गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, तो एक्स जेड टू अगर वाई है तो एक्स जेड बाई एक्स बाई जेड हो गया। अब यहाँ पे तो टू वाई कैपिटल जाएगा ना, है ना, और वाई मैंने एक्स जेड में जाएगा कितना, वही जाएगा 18,667। एक रुपए बढ़ा देते हैं बच्चे, 9,333, ठीक है। अब हमको आगे बढ़ाते हैं, रिवैल्यूएशन का लॉस आप देख रहे होंगे, यहाँ उठा के इधर डाल दो, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एकदम इजी है, फास्ट इसलिए बता रहे हैं। यहाँ डाल दो 4400, यहाँ डाल दो 4400 और यहाँ पे डाल दो 2200। आगे बढ़ते हैं, और कुछ नहीं था, अब मुझे जोड़ घटाव करना होगा, तो चलिए आपके सामने मैं एडिशन सबट्रैक्शन करूंगा। तो सबसे पहले तो एडिशन हम कर लेते हैं जेड का, तो 75,500 में 37,000 जोड़ना है, 3700 जोड़ना है, तो 7, 5, 12, 1, 5, 3, 8, 1, 9, 79,200 आएगा, और यहां भी हम लिख देंगे 79,200। अब 79,200 में जरा मुझे पेज की आवश्यकता पड़ेगी, तो आइए जरा हम पेज निकालते हैं, कहीं से कहां से निकालू, हाँ ये बच्चे पेज तो आ गया, तो 79,200 में से हमको घटाना होगा 11,533, तो 10 में 3 गया 7, 9 में 3 गया 6, और यहाँ पे कितना बचा, 11 में 7 गया 6, और यहाँ पे कितना बचा, 8, 7, 6, 67,667 आया, तो यहाँ पे लिख देंगे 67,667, क्लियर हो गया। खैर अब इसको जोड़ते हैं बच्चा, जरा जोड़ते हैं, 7, 3, 10 की 0, 6, 3, 9, 10, 0 कैरी ओवर 1, 6, 3, 9, 4, 13, 14, 4 कैरी ओवर 1, 8, 8, 16, 9, 25 के 5 कैरी ओवर 2, 2 और 1, 3, 3 और 6, 9, 95,400 हुआ, तो यहां भी लिख देंगे 95,400। अब इस 95,400 में से घटाना बड़ा आसान है, इसमें से 4400 घटा देना है, यानी 91,000 आएगा ये, तो यहां पे लिख देंगे हम, जरा ऊपर लिखते हैं 91,000, क्यों ऊपर लिखते हैं जरा मैं बताऊंगा, क्योंकि वाई रिटायर कर रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 400, 729 हो गया, 89,400 हो गया, कैसे पता चला, इधर ही जाते, देखो इधर कम है, अंदाज लगा लो, 89,400 हुआ, और इसमें से आप घटा देंगे 89,400 में से 7, 6, 6, 4, 10, 0 कैरी ओवर 1, 23,067, 10 में 7 गया 3, 9 में 6 गया 3, 3, 9 में 6 गया 6, 8 में 2 गया 6, 66,333, तो यहाँ पे लिख देंगे 66,333, एकदम मस्त सबट्रैक्शन हुआ है बच्चा। आपके साथ देख लीजिए, मैं कैलकुलेटर का यूज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लिख देंगे टू बैलेंस सीडी, अब बताता हूँ मैं यहाँ पे सीडी क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये तो एक्स और जेड रिटायर नहीं कर रहा है, लेकिन वाई रिटायर कर रहा है, वाई इज लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, अगर क्वेश्चन नहीं होगा, ये मैंने पहले ही बताया है, वाई को पेमेंट तुरंत करेंगे तो कैश लिखते, वाई का पेमेंट तुरंत नहीं करेंगे तो उसके कैपिटल का, मतलब उसका जो अमाउंट ड्यू है उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, यही रूल हमने सीखा है, तो यहाँ पे आपने सीख लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं बैलेंस शीट बनाने, बैलेंस शीट भी थोड़ा स्टैंडर्ड है, हल्का फुल्का स्टैंडर्ड है, जरा शुरू करते हैं बैलेंस शीट,
सबसे पहले क्वेश्चन से देखिए, कैश दी हुई थी 8000, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। एडमिशन वाले में कैश चेंज होता है, यहाँ भी होता है जब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन होता है, तो कैश चेंजमेंट नहीं हुआ। डेटर्स में बहुत सारी चेंजमेंट हुई है, जरा देखना शुरू करते हैं। आपकी देखिए क्वेश्चन में डेटर्स दी हुई थी 19000, उसमें से आपका बैड डेट आपका आया था 2000। क्वेश्चन में क्लियरली लिखी हुई थी कि आपका बैड डेट जो है 2000 है, और आपको विश्वास नहीं है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट मेरे साथ अपने बनाए हैं, बैड डेट 2000 लिखा है और डेटर 3000 से बढ़ाया भी है, उस पर भी ध्यान देना है। तो खैर, आपका बैड डेट हो गया 2000, तो ये घट के हुआ 17000। उसमें आपको ऐड कर देना है, एक डेटर 3000 से बढ़ रहा था, उसका नाम था अमाउंट ड्यू टू रमेश। रमेश जो है डेटर 3000 से बढ़ रहा था, तो 3000 इसमें ऐड कर देंगे, ये आपका 20000 हो जाएगा। और इस 20000 में आपको लेस करना था प्रोविजन फॉर बैड डेट, और मैं आपको बता दूं प्रोविजन फॉर बैड डेट हमने निकाला था, मैं फिर से कैलकुलेट कर दूं, जनरल रिजर्व 20000 था, उसका 7.5% आपको निकालना था, तो 20000 का 7.5% 1500 होता है बच्चे, तो यहाँ पे आपका प्रोविजन 1500 घटा देंगे, तो ये भी 20000 है, कीमत है, लेकिन ये जनरल रिजर्व नहीं है, ध्यान देंगे 18500। उसके बाद बढ़ते हैं स्टॉक में, स्टॉक में कोई चेंजमेंट नहीं हुई थी, पूरा का पूरा उतार दो। बिल्डिंग्स में भी आपका चेंजमेंट नहीं हुई थी, मैं जरा देख लू, कोई चेंजमेंट नहीं है, पूरा का पूरा मैं उतार दिया। क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, जरा देख लीजिए, बिल्डिंग 2700, पेटेंट आपका घटा था, स्टॉक कोई चेंजमेंट नहीं हुई थी, पेटेंट मैं 8000 से घटाऊंगा, जरा देख लो, या पेटेंट मैं सिर्फ 1000 लिखूंगा। उसके बाद आपका एक प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ बढ़ रहा था, देखो कौन कौन एसेट बढ़ रहा है, प्रीपेड इंश्योरेंस और फर्नीचर बढ़ रहा है, इसको लिखेंगे आप, ठीक है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस बढ़ रहा था, कैसे बढ़ रहा था, कैसे पता चलेगा भाई, क्वेश्चन में क्लियरली था, रिवॉल्यूशन अकाउंट से भी पता चलता है, जो भी रिवॉल्यूशन अकाउंट के इस साइड जो दिया हुआ है, यानी कोई ना कोई एसेट बढ़ रहा है। देखो यहाँ प्रीपेड इंश्योरेंस क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया होता बैलेंस शीट में, तो इसका मतलब एक नया इंश्योरेंस आप बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन में क्लियरली भी लिखा हुआ था कि एक एसेट बढ़ रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से, फर्नीचर भी 3900 से बढ़ रहा है, तो बस आपको यहाँ पे लिख देना है, आपको छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ देंगे तो आपका आंसर नहीं मिलेगा, बैलेंस शीट आपका टैली नहीं करेगा और आप गलती कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ पे सिंडिकेटर्स में जाएंगे, और सिंडिकेटर्स में जरा आपको ध्यान देना होगा, बड़ा इसमें बदलाव हुआ है सिंडिकेटर्स में, कुल मिला के कैसे कैसे आया मैं आपको बताना चाहूंगा, सिंडिकेटर को मैं समझाना चाहूंगा आपको। आपने देखा था कि 9000 का एक झगड़ा हुआ था जिसमें 6000 क्रेडिटर में ऑलरेडी शामिल है, यानी कि 3000 का क्रेडिटर और बढ़ाना था, तो पहले से सिंडिकेटर जो आपका बैलेंस शीट में दी हुई थी वो 47500 दिया हुआ था, 47500, और उसमें आपको 3000 एक नया क्रेडिटर आपको बढ़ा देना था, तो अगर जोड़ेंगे तो 50500 आ जाएगा। फिर एक आउटस्टैंडिंग सैलरी अचानक से बढ़ रहा था, रिवॉल्यूशन से देख लीजिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी बढ़ रहा था, क्रेडिटर 3000 से बढ़ रहा था, मैंने बढ़ा दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी 5900 से बढ़ रहा है, और कहीं भी आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं है, अलग से है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी 5900, इसको छोड़ेंगे नहीं, गलत हो जाएगा। उसके बाद आपको वाइज लोन लिखना होगा, क्योंकि वाई का तुरंत पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वाइज लोन अकाउंट जो आपका बैलेंसिंग फिगर आया है ना कैपिटल अकाउंट का, मैं दिखा देता हूँ, कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर 91000 आया है, और इनकी भी आप रख लीजिए 6633 और 67667, वो भी लिख लीजिए कैपिटल अकाउंट में, ऐसा करते आपको याद हो गया होगा, एक्स और जेड का 6633 था और ये था 67667, जरा जोड़ लीजिए आप इसको, 7 3 10, 6 3 8 10, 6 3 8 10, 7 6 13 14, 6 6 12 13, 1,34,000 है बच्चे,
मैं यहाँ पे रेड पेन का इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 134,000 है बच्चे। इसको भी रहने देता हूँ, दोनों नहीं लिख दीजिएगा बच्चा। अब आपको जोड़ना है, जरा इधर से ही जोड़ लेते हैं। ये 5900 था और डिस्टर्निंग सैलरी 59,000 नहीं था, ठीक है। जरा जोड़ते हैं हम, ठीक है। तो 900, 500, 1400, यहाँ 400 लिख दो, भले ही हो गया। उसके बाद आप देखते हैं 5, 1, 6, 6, 7, 7, 4, 11, 11 का 1 कैलिवर 1, 4, 4, 9, 13, 13, 13, 5, 18, 8 कैलिवर 1, 112, 281,400 होगा। और यहाँ भी 281,400 आएगा, आप इसको जोड़ लीजिए, नहीं भी जोड़िएगा तो उतना ही आएगा। एक बार हम लोग ऐड करके वेरीफाई भी कर लेते हैं, जरा जल्दी जल्दी जोड़ते हैं आप। 0, 0, 9, 9, 9, 9, 14 कैरीवर 1, 9, 9, 9, 8, 17, 2, 19, 19, 20, 22, 23, 22, 23 जरा जोड़ते हैं फिर से, 4, 5, 6, 7, 13, 2, 15, 15, 8, 23, 23, 8, 31, 33, 3, 3, 2, 5, 5, 5, 5, 3, 6, 7, 8, 8, 2। ये भी हो गया 281,400। तो आपने गौर किया ये बैलेंस शीट आपका है बच्चे, मैं एक बार आप धीरे धीरे आपको बता देता हूँ। आप क्वेश्चन खुद से देख के आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ चुके हैं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर पढ़ चुके हैं। तो मैं आपसे बोलूंगा कि क्वेश्चन आप खुद से पढ़ें और मैं आपको क्वेश्चन आपको एक बार और दिखा देता हूं, ताकि लास्ट में भी आपको याद रहे क्वेश्चन क्या था, आपको परेशानी ना हो। तो प्लीज मैं आपसे कहूंगा कि क्वेश्चन आप खुद से पढ़ें और एक बार खुद से बनाने का कोशिश करें। मैं वीडियो को बार बार पॉज भी कर सकते हैं क्वेश्चन को देखने के लिए, ठीक है ना बच्चे। रेशियो दी हुई थी 2:2:1, XYZ टीम पार्टनर था। खैर, तो आपने क्वेश्चन देख लिया है बच्चे, एक बार और मैंने दिखा दिया और इसमें हर एक बात आपको समझा भी दिया। जो जो स्टार मार्क लगाया है उस पर आपको फोकस करने की जरूरत है, बाकी सब इजी था बच्चे, ठीक है। आशा करते हैं आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे और आपको मजा आया होगा, और आप धीरे धीरे एक बार अपने से बनाएं और फिर मेरे सोल्यूशन को देखें और मैंने जो जो बोला है वो करें। और आपको एक बार बता दूं, ये लोन अकाउंट भी लिखना नहीं छोड़ेंगे आप गलती से भी, क्योंकि ये देखिए जो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आया है ना, ये सारे लायबिलिटी साइड में आया है, क्रेडिट साइड में, सॉरी डेबिट साइड में आया है। तो ये लायबिलिटी में जाएगा और लायबिलिटी में कैसे जाएगा उस पर ध्यान देना है। लोन अकाउंट है तो लोन भी लायबिलिटी होता है, और सीडी तो क्लोजिंग कैपिटल है, मैंने वैसे ही लिखा है। तो खैर, आप इसको बनाएंगे फिर से, ठीक है ना। ये मैं आपको सोल्यूशन फिर से दे दिया, दिखा दिया, ये वर्किंग नोट भी मैंने आपको दिखा दिया। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, आपको अगर पसंद है अकाउंट पूरा का पूरा है, कुछ भी नहीं छूटा है, ठीक है बच्चे। बाय बाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। थैंक यू ऑल ऑफ।